तारीख थी 13 फरवरी 2023। देश में पहली बार आयोजित हो रहे वुमेन्स प्रीमियर लीग में महिला खिलाड़ियों की ऑक्शन प्रक्रिया मुंबई में चल रही थी। बीसीसीआई को 1525 खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए थे, जिसमें 246 देसी खिलाड़ियों और 163 विदेशी खिलाड़ियों को ऑक्शन लिस्ट में शामिल किया गया। इधर चयन की प्रक्रिया चल रही थी और देश के हर कोने से चल रहा था दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर। और जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स ने 34 वर्षीय खिलाड़ी जासिया अख्तर को 20 लाख रुपए के प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया, तो जासिया का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जासिया अख्तर जम्मू और कश्मीर से वुमेन्स प्रीमियर लीग में शामिल होने वाली पहली और एकमात्र खिलाड़ी बन गई है। जासिया का ये चयन उनके जीवन का एक बड़ा क्षण है। ये सिर्फ एक चयन नहीं, बल्कि उनके इंतजार और विश्वास का भी सम्मान है। उनकी इस कामयाबी पर उनके गांव ब्रारीपोरा में जश्न का माहौल है और उनके परिवार को बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। क्रिकेट का जुनून रखने वाली जासिया कश्मीर को छोड़ पंजाब को चैंपियन बनाने वाली बीते 2 वर्षों से राजस्थान महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर रही है और उनका अगला लक्ष्य टीम इंडिया में जगह बनाना है। वर्ष 2022 अक्टूबर महीने में हुए सीनियर T20 वुमेन्स ट्रॉफी के एक मैच में राजस्थान की टीम की ओर से ओपनिंग करने आई कप्तान जासिया अख्तर ने ऐसी तबाही मचाई थी कि क्रिकेट के गलियारे तंग रह गए। सिक्किम के खिलाफ खेले गए एक मैच में जासिया ने मात्र 68 गेंदों में 16 चौके और 5 छक्के जड़कर 183 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 125 रन बनाकर टीम को एक बड़े अंतर से जीत दिलाई। और तब से जासिया अख्तर एक मैच विनर खिलाड़ी बनकर सामने आई है। जासिया बांग्लादेश में खेलने वाली एक मात्र महिला खिलाड़ी है। वह ढाका क्रिकेट लीग में रूपाली बैंक की तरफ से खेल चुकी है। दक्षिण कश्मीर में आतंक का गढ़ रहे शोपिया डिस्ट्रिक्ट की जासिया के क्रिकेट में यहां तक पहुंचने का सफर काफी चुनौती से भरा रहा है। जम्मू कश्मीर में लड़कियों के लिए खेल में अपनी पहचान बनाना काफी चुनौती भरा काम है। गरीब परिवार में जन्मी जासिया अख्तर 11 वर्ष के उम्र से ही बल्ला थाम लिया था। गाँव में लड़कों के संग जब वह गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला करती तो लोग यह कहकर भगा देते कि यह खेल लड़कियों के लिए नहीं है। जासिया ने इसकी परवाह नहीं की और घंटों क्रिकेट खेला करती, जिससे अपनों की खूब डांट खाई और मार भी पड़ी, लेकिन हाथ से न बल्ला छूटने दिया और ना ही गेंद। जासिया को स्कूल टीम का कप्तान बना दिया गया। इसके बाद ही जासिया का चयन जम्मू एंड कश्मीर टीम में हो गया। 2003 से 2006 तक जम्मू कश्मीर के लिए अंडर 15 और अंडर 16 के लिए क्रिकेट खेला। इस बीच आर्थिक तंगी के कारण जासिया को 5 वर्षों तक क्रिकेट से दूरी बनानी पड़ी। इस दौरान वे घर के खर्चों के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। समय मिलता तो टीवी पर क्रिकेट मैच देखकर क्रिकेट की बारीकियां सीखती। घर के हालात कुछ सुधरे तो फिर से खेलना शुरू किया। यह किसी सपने से कम नहीं था और मेहनत रंग लाई। क्रिकेट का ये मुकाम जासिया ने अपनी मेहनत, हिम्मत और काबिलियत के दम पर हासिल किया है। एक इंटरव्यू में जासिया कहती हैं, यह तो अभी एक शुरुआत है। कोशिश करूंगी क्रिकेट में अपना बेहतरीन योगदान देकर न केवल अपना बल्कि देश का नाम रोशन करूं। क्रिकेट कोर्ट की टीम की ओर से जासिया अख्तर को वुमेन्स प्रीमियर लीग में चयन होने की अनेक शुभकामनाएं।